तो दोस्तों आप लोग आजकल देखते होंगे कि कई सारे ऐसे YouTube चैनल्स होते हैं जिनमें फेक स्ट्राइक दे दिया जाता है, और उसके बाद जो स्ट्राइक दिया जाता है वो काफ़ी सारे वीडियोस पे एक साथ दे दिया जाता है, लाइक 10 वीडियो 15 वीडियो पे स्ट्राइक आ जाता है। और उसके बाद वो जो चैनल का ऑनर होता है, जो क्रिएटर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब इस टाइम पर करे तो करे क्या। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा मुसीबत आ जाता है क्योंकि YouTube का दोस्तों बहुत सारा स्ट्राइक से लेकर के रूल है कि चैनल आपका डिलीट कब हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके चैनल पर कोई फेक स्ट्राइक दे देता है और 3 से ज़्यादा स्ट्राइक दे देता है तो उस मुश्किल की घड़ी पे आप क्या कर सकते हो, आप क्या क्या कदम उठा सकते हो और आपको करना क्या है। क्योंकि जब ऐसा हो जाता है तब मेरे पास बहुत सारा टैग्स होता है, बहुत सारा मैसेज आने लगता है, ईमेल आने लगता है कि मनोज भाई आप उस बंदे का हेल्प करो, वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस गया, ऐसा वैसा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसी से रिलेटेड नॉलेज देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहे एंड तक, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अगर यूट्यूब पर हमारा 3 महीने के अंदर में अगर 3 स्ट्राइक एक साथ आ जाता है, लगातार मतलब आ जाता है, 3 महीने के अंदर में ही 3 अगर स्ट्राइक आ जाता है तो आपका यूट्यूब चैनल जो है यूट्यूब टर्मिनेट कर देता है परमानेंटली 7 डेज के अंदर में। आपको 7 दिन का मोहलत दिया जाता है, अगर आप स्ट्राइक को नहीं हटवा पाते हो तो आपके 7 दिन के अंदर में आपके यूट्यूब चैनल को यूट्यूब टर्मिनेट कर देता है, मतलब कि डिलीट कर देता है। अब इस टाइम जब फेक स्ट्राइक आ जाता है और वो लोग एक साथ में 5, 10, 15, 20 स्ट्राइक दे देते हैं तो ऐसे में क्या करें। तो दोस्तों ऐसे में जो आपका सॉल्यूशन है वो 2-3 प्रकार का है। सबसे पहला आपको करना ये है, सबसे पहले आपको उस स्ट्राइक, जिस भी वीडियो पे स्ट्राइक आया है, फेक स्ट्राइक आया है, सबसे पहले तो फेक स्ट्राइक, रियल स्ट्राइक क्या होता है, रियल स्ट्राइक का मतलब होता है जैसे कि आपने किसी का कॉपी किया है, रियली में किसी का कंटेंट को आपने यूज कर लिया, लाइक फोटो वीडियो, कोई वीडियो फुटेज कुछ भी, म्यूजिक उसका अगर आपने यूज किया आपने वीडियो पे, तो वो स्ट्राइक दे सकता है जो उसका ऑनर होगा। लेकिन फेक स्ट्राइक में क्या होता है कि आपका खुद का वीडियो होता है, जैसे इस वीडियो में मेरा कुछ भी किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है, मैं खुद बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो फेक स्ट्राइक दे देते हैं। अब फेक स्ट्राइक कैसे YouTube एक्सेप्ट कर लेता है ये मुझे अभी तक नहीं पता चला, YouTube का ये बहुत ही ज़्यादा गंदा रूल है। अब दोस्तों स्ट्राइक जो फेक आता है वो मैक्सिमम 100K, जिससे 100K से कम जिनका सब्सक्राइबर उन्हीं को आता है। मैक्सिमम केस में ये देखा गया है कि 100K से जो कम वाला चैनल होता है, जो छोटा चैनल्स होते हैं जिसमें 40, 50, 70K इस तरह के सब्सक्राइबर होते हैं, उनको ज़्यादा स्ट्राइक पड़ता है। क्योंकि दोस्तों YouTube फेक स्ट्राइक को ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करता है जिनका चैनल वेरीफाइड नहीं होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 100K सब्सक्राइबर जब आपका हो जाता है तो आपका चैनल वेरीफाइड हो जाता है, ब्लू टिक आ जाता है। तो वेरीफाइड हो जाने के बाद आपके चैनल पर स्ट्राइक कम आता है, फेक स्ट्राइक कम कोई दे पाता है। लेकिन जब तक आपका वेरीफाइड चैनल नहीं है, 100K सब्सक्राइबर नहीं है, तब तक आपको फेक स्ट्राइक बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है YouTube। तो ये एक फैक्ट है जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब स्ट्राइक, फेक स्ट्राइक आ गया है तब आप क्या करोगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके जितने भी वीडियो पे फेक स्ट्राइक दिया गया है, सारे वीडियोज़ के अपील सेक्शन को क्लिक करके आपको क्या करना है कि अपील करना है, काउंटर नोटिफिकेशन सेंड करना है। काउंटर नोटिफिकेशन कैसे सबमिट करते हैं इस पर ऑलरेडी आपको YouTube पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। जब आप काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर दोगे सारे वीडियोज़ पे तो YouTube आपके चैनल को होल्ड कर देगा, मतलब आपका टर्मिनेट नहीं होगा। 7 डेज में जो टर्मिनेट होने वाला था वो आपका टर्मिनेट नहीं होगा। YouTube तब तक टर्मिनेट नहीं करेगा जब तक उन सारे काउंटर नोटिफिकेशन का रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो ये एक बचने का मौका है जिससे आप लॉन्ग टाइम तक थोड़ा सा समय मिल जाएगा आपको। अब आपको स्ट्राइक हटाना कैसे है, जब आप काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करोगे, जो अगर आपका फेक स्ट्राइक है तो YouTube कभी कभी स्ट्राइक को रिमूव भी कर देता है और कभी कभी नहीं करता, मतलब काउंटर नोटिफिकेशन जो आपने सबमिट किया YouTube कभी कभी एक्सेप्ट करता है और कभी कभी नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा ये है। और ऐसे में ज़्यादा केस में देखा गया कि YouTube काउंटर नोटिफिकेशन जो आप सबमिट करते हो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मुसीबत है कि आपका चैनल टर्मिनेट तो होकर रहेगा। तो आपको करना दोस्तों एक ही चीज़ है, जो आपको स्ट्राइक दिया है उसका जो है ईमेल एड्रेस आपको मिल जाता है, जो स्ट्राइक दिया है आपको उस ईमेल पे कांटेक्ट करना है और उस बंदे से कांटेक्ट करना है जो जिसने आपको स्ट्राइक दिया है, और उसको हाथ पैर जोड़कर जो भी कुछ करना पड़े वो आपको करना होगा। उसको आप हमेशा रिक्वेस्ट करना होगा, आपको उसको बोलना होगा कि यार मेरा स्ट्राइक प्लीज़ हटवा दो, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, या तो मैं गरीब फैमिली से हूँ, मेरा जो है यूट्यूब चैनल ही है। क्योंकि दोस्तों जो स्ट्राइक देता है वो भी एक प्रकार का इंसान ही है, ठीक है, इंसान ही है, तो इंसान है तो उसके भी दिल दिमाग है, उसका भी जो दया होता है, भावना होता है, वो सब कुछ है। तो आप उसको अगर अपना प्रॉब्लम शेयर करोगे, आप उसको रिक्वेस्ट करोगे, तो वो बंदा स्ट्राइक हटा देता है। ज़्यादातर केस में यही देखा गया है कि स्ट्राइक वो लोग खुद ही हटा देते हैं। वो स्ट्राइक देते हैं इस वजह से है कि वो देखता है कि अगर आपसे कुछ पैसे ले पाया तो ठीक है, और अगर आप नहीं दोगे, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो भी हटा ही देता है। और कई कई केस में उन्हें जो है 5-10 हज़ार अगर इनकम हो जाता है उस केस में मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं देते हो तो वो हटा देता है खुद ब खुद, क्योंकि उनको वो भी जानते हैं कि आपका भी उस चैनल पर मेहनत है। मैक्सिमम केस में यही होता है, जिसको भी स्ट्राइक आया है, जिसने स्ट्राइक दिया वो हटा लेता है। आप लोग कमेंट करके बताना ऐसा होता है या नहीं,
काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक आया है, लेकिन वो लोग खुद ही रिमूव करवा लेते हैं, खुद रिमूव कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो इंसान ही होता है, उनके अंदर में भी सब कुछ दया है, मोह है, माया है, सब कुछ है। तो आप रिक्वेस्ट करके उनसे हटवाओ, यही एक रास्ता है, इसको छोड़कर कोई रास्ता नहीं है। यूट्यूब का बहुत ही ज़्यादा गंदा रूल है, इस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कि यूट्यूब फेक स्ट्राइक को एक्सेप्ट भी कर लेता है, और जब आप काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करते हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये एक यूट्यूब का बहुत बड़ा गंदा रूल है। अब क्या यूट्यूब का सिस्टम है, क्या है, इसको कभी आज तक कोई समझ नहीं पाया। तो आपका रास्ता सिर्फ एक ही बचता है, सोल्यूशन एक ही बचता है, कि जिसने स्ट्राइक दिया उससे कॉन्टेक्ट करो। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया है आपको करना क्या है, नहीं करना है। बाकी आपका कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आपको मैं उम्मीद करूंगा आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला आज की इस वीडियो से। चलिए आज की इस वीडियो पर इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।